Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. So last time we were discussing about the apoptosis, causes of apoptosis, and then we discussed about the mechanism of apoptosis. Today we are going to start with the examples of apoptosis. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल सिचुएशन में भी अपॉप्टोसिस हो रही होती है और समटाइम पैथोलॉजिकल सिचुएशन में भी अपॉप्टोसिस हो रही होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखते हैं जब भी हमारे बॉडी में ग्रोथ फैक्टर की डेप्रिवेशन हो, ठीक है, तो उस उसको जब वहां पे उस ऑर्गन की या उस टिश्यू की जब जरूरत नहीं होती तो वहां पे सेल्स की डेथ होने लग जाती है बाय द एपोप्टोसिस. ठीक है, तो हमने देखना है जैसे कि हमारे पास कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको हार्मोन की जरूरत होती है, जब उनके अंदर हार्मोन की रेलिवेंट हार्मोन की डेप्रिवेशन हो जाए, ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है जिनको एंटीजन से स्टिमुलेशन ना मिले और साइटोकाइन से स्टिमुलेशन ना मिले, और अगर न्यूरॉन्स के अंदर जो है नर्व ग्रोथ फैक्टर की डेप्रिवेशन हो जाए, ठीक है, तो उनकी जो क्या होने लग जाती है एपोप्टोसिस. ठीक है, तो जब भी ग्रोथ फैक्टर की डेप्रिवेशन होगी, ठीक है, तो उनकी सेल की किलिंग स्टार्ट हो जाएगी बाय द एपोप्टोसिस. एग्जाम्पल उन्होंने बता दी कि लिम्फोसाइट्स को अगर एंटीजन नहीं मिल रहा तो उनकी डेथ हो जाएगी, और जो है न्यूरॉन्स को नर्व ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहे तो उनकी डेथ हो जाएगी बाय द एपोप्टोसिस. ठीक है, तो इन सब सिचुएशन में जो एपोप्टोसिस हो रही होती है वो कौन से मैकेनिज्म के जरिए होती है, बाय द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे. ठीक है, जिसके अंदर जो है प्रो एपोप्टिक मेंबर जो है BCL2 फैमिली के वो एक्टिवेट होते हैं, और BCL2 और BCLXL की सिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो क्या है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है. ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारे पास DNA डैमेज. ठीक है, जब सेल्स के ऊपर कोई रेडिएशन आ जाए या कोई कीमोथेरेपेटिक एजेंट आ जाए, ठीक है, तो वो DNA को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, सॉरी DNA डैमेज को कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास एपोप्टोटिक डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. जब भी DNA डैमेज होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो P53 प्रोटीन है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा. जब P53 जो है प्रोटीन एक्यूमुलेट होगा तो इसने सेल साइकिल को क्या कर देना है, अरेस्ट कर देना है. ठीक है, एट द G1 फेज. ठीक है, G1 फेज में क्या हो रहा था कि DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है. ठीक है, सॉरी G1 फेज में क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले सेल साइकिल को क्या करेगा, अरेस्ट करेगा. क्यों अरेस्ट करेगा, ताकि जो है DNA रिपेयर हो जाए. ठीक है, रेप्लिकेट होने से पहले जो है DNA रिपेयर हो जाए, लेकिन अगर वो डैमेज इतना ज्यादा बहुत ज्यादा होगा तो वो DNA क्या होगा, रिपेयर नहीं हो सकेगा. जब वो DNA रिपेयर नहीं हो सकेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, P53 क्या करेगा, एपोप्टोसिस को ट्रिगर कर देगा. ठीक है, उसने क्या करना, मैक्स और बैक को एक्टिवेट करना. ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स है ये, इनकी सिंथेसिस को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. ठीक है, जब P53 प्रोटीन जो है वो उसकी म्यूटेशन हो जाए या वो एबसेंट हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सेल जो है डैमेज DNA के साथ क्या करेंगे, एपोप्टोसिस हो जाएगी उनकी. ठीक है, जो सेल जिनके अंदर DNA डैमेज है उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी और DNA की जो है DNA की रीअरेंजमेंट हो जाएगी, उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, तो आपने याद रखना, जब एक DNA डैमेज हो गया, अगर आपने उसको अंदर एपोप्टोसिस नहीं हुई, ठीक है, तो उस DNA के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी और वहां पे जो है कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. लेकिन अगर आपने जो है DNA को रिपेयर नहीं हुआ और आप उसकी फॉरन से एपोप्टोसिस करा दो, ठीक है, बाय द बैक्स और बैक फैमिली, ठीक है, तो वो सेल जो है डैमेजिंग नहीं होगा. लेकिन अगर P53 में कोई म्यूटेशन हो गई है या वो एब्सेंट है, ठीक है, तो वहां पे एपोप्टोसिस नहीं होगी और वो DNA डैमेज जो है सर्वाइव करता रहेगा, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, और वो जो है कैंसर कॉज कर सकता है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है P53 का रूल. P53 प्रोटीन सबसे पहले जो है उस सेल को रिपेयर करने की कोशिश करेगी, अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो उसने प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट करके क्या करानी है, एपोप्टोसिस करानी है. लेकिन अगर P53 प्रोटीन जो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे एपोप्टोसिस नहीं होगी, ठीक है, और वो DNA डैमेज के अंदर जो हुआ हुआ था उसके अंदर म्यूटेशन होगी और वहां पे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. थर्ड हमारे पास एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन. ठीक है, जब नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, तो हमारे पास चैपरोन होते हैं वो जो के प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग करा रहे होते हैं. ठीक है, और जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं उनकी वो क्या कर देते हैं, उनकी प्रोटीओलाइसिस करा देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास किसी वजह से ऐसा हो कि जो हमारे पास जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उनकी प्रोटीओलाइसिस ना हो, ठीक है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होने लग जाते हैं, एक्युमुलेट होने लग जाते हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो जब वो एक्युमुलेट होंगे तो वो सेल के अंदर जो है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, इस रिस्पॉन्स ने क्या करना है, सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करना है, जो कि चैपरोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और प्रोटीन की ट्रांसलेशन को, प्रोटीन की फॉर्मेशन को रिटार्ड कर देंगे, ताकि जो है मिसफोल्डेड प्रोटीन का जो लेवल है वो रिड्यूस कर दें.
लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की एक्युमुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि वो चैपरोन को भी एक्टिवेट नहीं कर पाए, ठीक है, तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है और रिपेयर का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रेस पड़ता है उस पर तो वो कैसपेजिस को एक्टिवेट करता है और एपोप्टोसिस करा देता है, ठीक है। मोस्टली ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स किस वजह से बन रहे होते हैं, अगर कोई म्यूटेशन आ गई है सेल के अंदर, कोई एजिंग का प्रोसेस है या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, या कोई डिजीज है जिसने नॉर्मल प्रोटीन्स की जो है अवेलेबिलिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जब नॉर्मल प्रोटीन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा और वो कैसपेस को एक्टिवेट करके एपोप्टोसिस कॉज करा देगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है कौन कौन सी डिजीज होती है जिसमें मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स की वजह से सेल डेथ होती है, वो होती है हमारे पास न्यूरोजेनरेटिव डिजीज, जैसे कि अल्जहाइमर, हंटिंगटन, पार्किंसन डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है कि जब ग्लूकोज, जिस तरह डायबिटीज है उसके अंदर ग्लूकोज का डेप्रिवेशन हो, ठीक है, और जो हमारे पास ब्रेन की जो है उनके अंदर भी ऑक्सीजन या किसी और मॉलिक्यूल का डेप्रिवेशन हो, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होने लग जाएगी, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से भी सेल की इंजरी और डेथ हो जाएगी बाय द एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एपोप्टोसिस ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है कि उन्होंने सेल्फ एंटीजेंस को जो है रिकोगनाइज कर, ठीक है, लिम्फोसाइट आपको पता है किसी भी एंटीजन को रिकोगनाइज करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट जो है अपने ही बॉडी में जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं उनको भी रिकोगनाइज करते हैं, ठीक है। अगर ये लिम्फोसाइट जो है सेल्फ एंटीजेंस को, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, उनको एनकाउंटर करने लग जाए तो उन सेल्स की डेथ हो जाएगी बाय द एपोप्टोसिस, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी एक्टिवेट हो रहा होता है, फास्ट डेथ रिसेप्टर पाथवे भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है हमारे पास एपोप्टोसिस नहीं हो सकेगी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स की, तो हमारी बॉडी में क्या होने लग जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज। आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल अपने ही बॉडी को या अपने ही सेल्स को क्या करने लग जाते हैं, किलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम उन सेल रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स की एपोप्टोसिस कॉज करा दें तो वहां पे ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड एपोप्टोसिस, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि बॉडी के अंदर जो है कोई फॉरेन एंटीजन आया है, ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स उनको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। जब रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, जब रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट हो गई है, खुद एक्टिवेट हो जाएगी और ये जो है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ग्रैनजाइम्स, ठीक है। ये ग्रैनजाइम जो है किसी भी जहाँ पे फॉरन मटीरियल आया उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब वहां पे ग्रैनजाइम से क्या करना है, वो प्रोटीन्स को क्या करेंगे, क्लीव करेंगे, ठीक है, और कैसपेजिस को क्या कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने डायरेक्टली जो है एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। इन्होंने ना ही माइटोकॉन्ड्रिया को एंगेज करना है, ना ही डेथ रिसेप्टर को, इन्होंने डायरेक्टली जो है उसकी सेल की किलिंग कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जो है उनके ऊपर जो है फैस लाइगेंड भी अटैच होता है, जिसके जरिए वो जो है टारगेट सेल को किल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड एपोप्टोसिस है, उसमें एक तो वो डायरेक्ट किलिंग भी कर सकते हैं और दूसरा वो डेथ रिसेप्टर पाथवे के जरिए भी कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी कोई फॉरन मटीरियल आएगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, खुद ही एक्टिवेट हो गए, वहां पे ग्रैनजाइम को एक्टिवेट करेंगे, वो सेल के अंदर टारगेट सेल के अंदर एंटर हो गए, वहां पे ये जो प्रोटीन है उनको क्लीव करके सेलुलर कैसपेसिस को एक्टिवेट करेंगे और वो फिर वहां पे उनके एपोप्टोसिस कॉज करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी एपोप्टोसिस की, ठीक है। हमने 5 एग्जांपल्स पढ़ी है, एक हमने डीएनए डैमेज पढ़ा है, सेकंड ग्रोथ फैक्टर डेप्रिवेशन पढ़ा, थर्ड हमने एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स पढ़ा, फोर्थ हमने एपोप्टोसिस ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, तो फिफ्थ हमने पढ़ा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड एपोप्टोसिस।